वेलकम टू सिविल इंजी ग्रुप। आज के इस लेक्चर में हम फील्ड बुक के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, कैसे इसको फील्ड बुक कैसे हम बनाते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनमें एरर्स कौन कौन से आते हैं, और इसको बोर्ड पर हम आपको बना के भी आपको समझाने वाले हैं कि कैसे इसको हम बनाएंगे, कैसे एक्सप्लेन करते हैं, हर चीज़ों की जानकारी आपको इस लेक्चर में दी जाएगी। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल से सिविल इंजी ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरे चैनल पर आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और आपको लेक्चर मिस ना कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर फील्ड बुक। देखिए फील्ड बुक क्या है, एक तरह का नोटबुक है ये, देखिएगा, द नोटबुक इन विच फील्ड मेजरमेंट आर नोटेड इज नोन एज द फील्ड बुक। जो फील्ड बुक जो काम करते हैं, जिस बुक में हम नोट करते हैं, जिस नोटबुक में, उसको हम फील्ड बुक कहते हैं। साइज इसका देखिएगा, साइज इसका कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका साइज आपको होता है 20 सेंटीमीटर × 12 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर × 12 सेंटीमीटर होता है इसकी साइज होती है। ये दो तरह से बनाए जाते हैं, सिंगल लाइन और डबल लाइन। तो सिंगल लाइन देखिएगा, सिंगल लाइन फील्ड बुक कॉन्फिडेंट फॉर लार्ज स्केल एंड मच डिटेल्स डायमेंशंस वर्क लाइन इज ऑर्डिनरी वर्क, ठीक है, ऑर्डिनरी वर्क के लिए होगा। डबल लाइन जो होता है, तो डबल लाइन फील्ड बुक इज कॉमनली यूज द पेज ऑफ ए फील्ड बुक आर मशीन नंबर्ड, ठीक है, इट द सिमिलर टू द सिंगल लाइन फील्ड बुक, ये आपके हो गए। अब इसमें देखिएगा, ये आपका सिंगल लाइन फील्ड बुक है, यहाँ देख पाएगी इसको कैसे बनाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम डाटा उठाते हैं फील्ड बुक पर, फिर उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तमाम चीज़ों की जानकारी आपको इस लेक्चर में मिलेगी। पेशेंस रखें, लेक्चर को पूरा ध्यान से देखें और सुने। देखिए सिंगल लाइन हो गया आपका, ठीक है, ठीक है, ये दो तरह से होता है, आपको बताया था, और एक होता है क्या, डबल लाइन। कुछ डबल लाइन दिखाने से पहले आपको बता दें कि कुछ इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, तो देख लीजिएगा। प्रॉब्लम एक में क्या आता है, विच मेजिंग ए चेन लाइन ए बी द फॉलोइंग ऑफसेट्स आर टेकन, हाउ वुड यू इंटर द फील्ड बुक। देखिएगा, ए टेलीग्राफ पोस्ट 10 मीटर परपेंडिकुलर यूजली फॉर्म चेंजेज 2.5 मीटर टू द राइट ऑफ द चेन लाइन। इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन के लिए आपको जब हम फील्ड में इसको फील्ड बुक में लेने के बाद अगले लेक्चर में, और फिर उसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इस एरर के बारे में आपको बताएंगे। फिलहाल इसको आप नोट कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए इसमें बहुत सारे से पॉइंट्स हैं जो आगे काम आने वाले हैं। इस सारे पॉइंट को वन वन कर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। देखिएगा, दो तरह के प्रॉब्लम्स का इसमें मैंने ए बी सी पहला प्रॉब्लम किया, दूसरा प्रॉब्लम आपको जो है उसके बारे में भी हमने बात किया। देखिएगा, ठीक है, तो वो जो है रोड अगर क्रॉस करेंगे तो कैसे उसको हम करते, देखिए रोड क्रॉस, देखिएगा, तो इसके लिए भी टोटल जानकारी इसमें मैंने दे दी है, लेकिन तब आपको अच्छे से इसको समझ पाएंगे जब आपको ये फील्ड में दिखाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब डबल लाइन को देख लेते हैं। देखिएगा, ये आपको डबल लाइन हो गया, ये कैसे सॉल्व किया गया है, इसको फील्ड बुक में हम कैसे नोट करते हैं, तमाम चीजों की जानकारी आपको हम देने वाले हैं। और अभी आपको हम बोर्ड के माध्यम से आपको इसको बना के भी दिखाने वाले हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो पेशेंस रखें, लेक्चर को पूरा ध्यान से सुने और आपको हम अभी इसको एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं। गुड मॉर्निंग, आज आप लोगों को हम जो है फील्ड बुक के बारे में बताने जा रहे हैं कि फील्ड बुक में जो दिया रहता है उसको कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं, कैसे उसको बनाते हैं, कैसे तय करते हैं, तमाम चीज़ों को उसके बारे में बताने वाले हैं, और बहुत जो है तब विस्तार से बताने वाले हैं ताकि आप लोग इजीली उसको समझ पाइए। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप है तो बहुत इजी चीज़ है, नहीं कहेंगे बहुत मुश्किल चीज़ है, बहुत इजी चीज़ है, बहुत इजी है इसको बनाना, पर अगर आप जानते हैं तो इजी है, नहीं जानते तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज आप लोग हम फील्ड बुक के बारे में बताने वाले हैं, और साथ में आपसे ये कहना चाहेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आने वाला मेरा हर वीडियो आप तक आए। कोई चीज़ बात अगर समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आइए सीखते हैं हम लोग फील्ड बुक जी। देखिएगा, यहाँ हमने जो मेजरमेंट कलेक्ट किया है, मेजरमेंट जो उठाया है, वहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने ये यही मेरा हो गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे हम बनाएंगे, ये मेन चीज़ यहाँ रखता है, ठीक है। तो यहाँ समझ लीजिए, पहले 50, 100, 200, 300, 500, 300, 400, 500, 600 मीटर में है, इधर 200 मीटर है, इधर 200 लेफ्ट हो गया, राइट है, लेफ्ट है, ठीक है। इसको समझना है, ये आपका फेसबुक का जो हमने मेजरमेंट उठाया उसका हो गया। कैसे इसको हम तोड़ते हैं, आइए यहाँ समझते हैं, हम आपको समझाते हैं कि कैसे हम इसको तोड़ें, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ सबसे पहले तो हमको ये काउंट करना होता है हाइट,
जैसे यहाँ 50 है, 0 हो गया, 0 से 50, 50 के बाद 100, तो क्या करते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करते हैं, तो 100 में से 50 घटाया तो देखिए 50 बच गया, 50 हो गया। 200 में से 100 घटाया तो देखिए 100 बच गया। 300 में से 200 घटाया तो देखिए 100 बचा। 350 में से 300 घटाया तो देखिए 50 बचा। इस तरह से 400 में से जो है 350 घटाया तो 50 बचा। 500 में से 400 घटाया तो 100 बचा। और 600 में से 500 घटाया तो 100 बचा। ये हाइट हो गई, एज, माने इतनी लंबी एक हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए फिर इसको सॉल्व करने के लिए हम एक जो है वर्टिकल एक लाइन जो है खींच लेते हैं, सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल एक लाइन खींच लिया। इस लाइन पर से अगर हमको आपको ड्राइंग शीट पर इसको बनाना है तो सबसे पहले हम इस किसी स्केल को चूज करेंगे, अगर मीटर में है तो मीटर वाइज टू 500, वाइज टू 1000, जो भी हो, जो सूटेबल स्केल हो, जो मेरे पास शीट है, जिस तरह का फील्ड बुक है, उस तरह से हम इसको उठाएंगे और नाप के करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ से यहाँ मैंने नापा 50 मीटर, फिर नाप मापेंगे 50 मीटर, इस तरह से टोटल हाइट जो मेरी है आप जोड़ लेंगे, टोटल हाइट जो 600 मीटर है, 600 मीटर एक लाइन खींच लेंगे, स्केल पर यूज करेंगे। जैसे समझ लीजिए 1:500 हमने बनाया, इसका मतलब ये हुआ कि एक मीटर एक्चुअल में 1 मीटर 500 मीटर को डोनेट कर रहा है। हजार अगर आप ज़्यादा फील्ड बुक पढ़ा है तो स्केल को आप और भी आगे ले जा सकते हैं, तो आप 1:500 पर इसको सॉल्व आप कर सकते हैं, कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये मेजरमेंट हम नाप लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी वर्टिकल लाइन एक लिया, वर्टिकल लाइन लेने के बाद इसमें तमाम मेजरमेंट, यही मेन समझना है, कन्फ्यूज नहीं करना है। देखिए बहुत सारे वीडियोज़ मैंने यूट्यूब पर भी देखे हैं जिसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन, आपको कन्फ्यूजन दूर करते हैं कि आपको ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाते जाना है, यहाँ कोई कन्फ्यूज नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए आपके सामने दो चीज़ें हैं, ये राइट हो गया, राइट पोर्शन है, आइए लेफ्ट पोर्शन, इसको हमेशा याद रखिए, एक राइट पोर्शन है, एक लेफ्ट पोर्शन है। तो आपको फील्ड बुक में यहाँ दर्शाया रहता है, देखिए जैसे यहाँ है 100 के बाद दर्शाया हुआ है 30 मीटर, 300 के बाद दर्शाया गया 5 मीटर, 400 के बाद दर्शाया गया 150 मीटर और 500 के बाद 200 मीटर। और अगर हम जो है लेफ्ट की बात करते हैं तो देखिए 350 पर 120 मीटर है और 200 पर 200 मीटर। इसको सॉल्व करने के सबसे पहले हम इस साइड का सॉल्व करते हैं, देखिएगा 100 मीटर पर मेरा 30 मीटर है, तो देखिएगा यहाँ मेरा, देखिएगा 50 मीटर और 50 मीटर, यहाँ मेरा 100 मीटर पूरा हो जाता है, ये 50 को हम नीचे लिख लेते हैं 50 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको यहाँ से मेरा कितना है, देखिएगा बहुत ईजी मेथड है, बहुत अच्छे से समझिएगा, आपको यहाँ से हम 30 मीटर ना माप लेंगे, ये 30 मीटर हमने माप लिया स्केल पर, हम मापने के बाद इसको यहाँ से हम मिला देंगे, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए, इसको हम क्या किया यहाँ से मिला देंगे, मिला दिया, मिलाने के बाद ये मेजरमेंट हमने कितना लिया था 30 मीटर, यहाँ अंकित कर लेंगे हम, यहाँ 30 मीटर अंकित कर लेंगे, पहला पॉइंट मेरा सॉल्व हो गया, यानी एक नंबर मेरा सॉल्व हुआ, इसका एरिया भी निकालना आपको सिखाएंगे, पहला हो गया मेरा। दूसरा कह रहा है 300 मीटर पर 50 मीटर, यहाँ समझिएगा 100 मीटर 200 मीटर और ये 300 मीटर, देखिएगा 100 200 और एक 300, 300 मीटर पर कितना बोल रहा है 50 मीटर, देखिएगा यहाँ थोड़ा 300 मीटर पर कितना जाएंगे हम 50 मीटर गए, 50 मीटर गए, यहाँ कन्फ्यूज नहीं करना, एक तो समझना उसका, इसको क्या किया हमने मिला दिया, तो ये दूसरा शेप हो गया। अब यहाँ कितना है, ये मेजरमेंट हमको हमेशा याद रखना है, कितना है 50 मीटर मेरा है, ठीक है, ये 100 मीटर है, ये 30 मीटर है, दूसरा हमने सॉल्व कर लिया, यानी कि दूसरा भी हमने सॉल्व कर लिया, देखिएगा। तीसरा कह रहा है 400 मीटर पर 150 मीटर, तो 400 मीटर फिर यहाँ से पढ़ेंगे 50 50, 100 मीटर 200 100 200 300 है 400, 400 पर कितना कह रहा है, 400 पर मेरा है 150 मीटर, यहाँ पर 150 मीटर हम जाएंगे, हम अंदाज से ले रहे हैं, आप स्केल पर इसको बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, तो इसको स्केल पर सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी स्केल सूटेबल स्केल पर इसको चूज करके आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ मेरा कितना था 50 अंकित था और ये जो हमने लिया ये 150 मीटर लिया, आप बनेगा तो एकदम एग्जैक्ट बनेगा, क्योंकि हम बोर्ड पर जो है स्केल पर नहीं बना रहे हैं, फिजी हैंड बना रहे हैं, और थोड़ा सा यहाँ है, आप जो बनेगा तो एकदम एग्जैक्ट आ गया, ये 50 मीटर 150 मीटर हो गया मेरा जो है, ये पॉइंट भी सॉल्व हो गया। अगला कह रहा है 500 पर 200 मीटर, तो यहाँ देख लिए, फिर यहाँ से यहीं पर, यहाँ पर ज़्यादा लड़कों को दिक्कत होती है, सब जहाँ चाहेंगे 100 मीटर 200 300 400 एक 500, यही यहाँ पर आप कंसीडर नहीं कीजिएगा, 500 पर कह रहा है 200 मीटर, तो हम ये जाएंगे भागेंगे आगे 500 मीटर पर, हम 200 मीटर हमको कर रहा है, तो देखिए 200 मीटर सीधा एकदम हॉरिजॉन्टल जाएंगे 90 डिग्री पर, ये इसको हम कहीं भी नहीं करेंगे, हम मान लेते हैं कि यहाँ से इसको हमने मिला दिया। और आखिरी ऑब्जेक्ट को हम, चूंकि वहाँ कोई डायमेंशन नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट वहाँ से मिला देंगे, यहाँ से हम डायरेक्ट इसको फैला के यहाँ पर मिला दिए, चूँकि उसको ऊपर कुछ नहीं था मेरा, तो ये हमने उसको क्या किया मिला दिया। अब देखिएगा यहाँ जो था मेरा 200 मीटर था, कितना मीटर था ये 200 मीटर, और यहाँ से ये कितना हो जाए 100 मीटर है, यहाँ से है, यहाँ देखिएगा यहाँ से यहाँ 100 मीटर यहाँ का अंकित है, यहाँ है और ऊपर से ऊपर 100 मीटर है, तो मेरा 2
तीन चार पाँच, पाँच हो गया, पाँच मेरा हो गया ये। अब जो है पाँच के बाद अब आइए इधर, तो अब देखिए ये क्या कह रहा है कि 3.5 मीटर पर, 350 पर जो है 120 मीटर है, तो आपको काउंट करना होता है, दिखेगा 1, 2, 3, 50 3 मीटर पर है, यहाँ आ जाएंगे, कितना मेरा 120 मीटर, तो 120 मीटर यहाँ आ गया, ठीक है 120 मीटर आ गया यहाँ पर, और जो है 350 पर मेरा 120 मीटर है, इसको ले लिया, उसके बाद मेरा कितना पर है, तो अब इसको क्या करेंगे, चूँकि भील बुक हमने लिख दिया, सॉरी उसके लिए जगह नहीं थी तो हमने वहाँ पर लिख लिया था, उसको हम इसको यहाँ से हम भील बुक को मिटा देते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको देखिएगा, इसको हम यहाँ से इसमें आकर ये मिला दिया, तो मेरा ये सॉल्व हो गया। अब इसमें इसको आपको याद रखना है, ये कितना है 120 मीटर है, ठीक है 120 मीटर हो गया आपका, और जो है अब क्या है 200 पर 200 मीटर है, तो देखिए 50 100 और 200, 200 पर कितना है 200 पर, दो सौ पर जो है आपका 200 मीटर है, ठीक है तो यहाँ देख लेते हैं 100 200 300। ओह नहीं, यहाँ मिस्टेक हुआ, नहीं यहाँ मिस्टेक हुआ, यहाँ मिस्टेक हुआ, सॉरी यहाँ 50 था, तो 100 200 ध्यान दीजिएगा 300, यहाँ 50 था, ओके एक मिनट, 100 200 300 350 350 पर ये ठीक था, फिर 200 पर रुक जाइएगा, 50 100 200 पर, 200 पर यहाँ एक लाइन थी, 200 पर यहाँ आई थी, इस लाइन को 200 पर ये लाइन में इधर से जो हम लोग गए थे, तो 200 पर तो ये था 300 पर था और 100 पर था, 100 पर हमने लिया, रुकिए 100 पर लिया और 100 200 200 पर हमने लिया, ठीक है तो यहाँ से जो है ये 300 पर हो गया, यहाँ पर कितना है 200 पर, देखिए 101 मीटर, 1 मीटर 200 यहाँ पर आएगा, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है, देखिए यहाँ आए यहाँ आगे, और ये जो मेरा यहाँ से था इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, जैसा था वैसा हम कर लेंगे, ठीक है ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ मिल गया और ये 200 था, ठीक है तो ये क्या मिल गया, ये यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, अब ये कितना निकला इधर से 200 पर कितना भागा हुआ था, 200 मीटर था ये 200 मीटर था, और ये नीचे कोई डायमेंशन नहीं थी, इसको क्या करेंगे हम मिला, ठीक है थोड़ा जोड़ने में कन्फ्यूज़ नहीं होना है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गई थी अभी, जो नहीं होना चाहिए, ठीक है अब ये बन गया, ठीक है तो देखिएगा 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और ये 8 हो गया, यहाँ पर 8 प्लॉट हमने लिया, बहुत बड़ा प्लॉट हो गया ये, इसका एरिया भी निकालना हम सीखना है हमको, ठीक है तो जल्दी जल्दी आपको एरिया सिखा देते हैं, पहले शेप पर ध्यान देना, आप यहाँ समझ गए हैं, देखिए जो इस साइड में होगा इसको इस साइड लेंगे, जहाँ अंकित है और इस साइड वाले को इस साइड लेंगे, थोड़ा कन्फ्यूज मत कीजिएगा, यहाँ से जोड़ने में कन्फ्यूज नहीं करना है, 50 50 100 100 200 मीटर ये हो गया था, मेरा 350 था, 300 और 350 पर इसको किया गया था, ठीक है तो जो जिस तरह की आकृति है उसमें आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो आपको देख लीजिएगा ये 200 मीटर एक्चुअल इसका है, याद रखिएगा इसका नहीं है, इसका डायमेंशन नहीं था, हमने सिर्फ इसको मिला दिया, जो उसका डायमेंशन नहीं दिया रहता है उसको हम सीधे सीधे उसको मिला देते हैं, तो मेरा पूरा इसका जो ये क्वेश्चन हो गया ये आंसर हो गया, आंसर पूरा तफसील से हमने बना दिया। अब एरिया निकालना सीखते हैं, सबसे पहले पहला काम, तो पहला एरिया जो मेरा होगा देख लीजिएगा, ये ट्रायंगल है, आप देख सकते हैं ट्रायंगल है, तो इसका ट्रायंगल का जो होता है इसका आधार गुणे लंब बाई 2 होता है, तो बेस किसी को मान लीजिएगा, मान लीजिए बेस इसी को हम मान लेते हैं, इसको मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना 100 मीटर हो गया, 100 मीटर गुणे आपको इतना से कितना है 30 मीटर बाई 2, ये पहले का हो गया, आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है दूसरे का हम देख लेते हैं, दूसरे का भी हम सॉल्व करके बाद में लिख देंगे, दूसरे का भी देख लीजिए, दूसरा क्या शेप है आपका जो है कोऑर्डिनेट है यानी चतुर्भुज है, इसका फॉर्मूला होता है दो आप समानांतर भुजाओं का योग इंटू एच बाई 2, तो समानांतर भुजाओं का यानी कि देखिए 50 मीटर जोड़ कितना है 30 मीटर, ठीक है इंटू आपका हाइट कितना हो गया, हाइट बताइए, हाइट कितना हुआ है, बोलिए कितना हुआ 100 और 100 200 200 बाई क्या हो जाएगा 100, आपको यहाँ ध्यान देना है आकृति, सॉरी 2, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना आकृति कैसी है, दूसरा नंबर का भी हमने सॉल्व कर लिया, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा, सॉल्व भी हम कर देंगे, तीसरे नंबर पर मेरा जो है क्या है देखिएगा, फिर कोऑर्डिनेट है मेरा समानांतर भुजाओं का योग, ठीक है तो आप गुने हाइट, तो आपको समानांतर भुजाओं का योग कितना है 150 150, याद रखिएगा ये 200 150 इसका है 200 उसका है, तो ये 150 है और कितना है 50 है, यहाँ पर अगर कैलकुलेशन के लिए गलती हुआ तो सॉरी, 150 जोड़ कितना है 50, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा 50, हाइट कितनी हो जाएगी देखिए इसकी हाइट कितनी 50 50 100
बाई टू, ये हो गया तीसरे का। चलिए चौथा देखते हैं हम लोग, चौथी शेप देख लीजिए, चौथा शेप है मेरा। तो चौथा शेप में ये 150 बाय 200 मीटर है, समांतर भुजाओं का योग, यानी कि लिख लीजिए 200 मीटर जोड़ 150 मीटर हाइट कितनी हो गई बोलिए तो, वो 100 है, 100 बाई कितना हो गया 2 हो गया, ये चौथा हो गया। पांचवा सॉल्व करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। पांचवा क्या, फिर पांचवा आपका पांचवा क्या है, क्या हुआ, ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ट्रायंगल हो गया, ये और ट्रायंगल हो गया। तो इसमें इसमें क्या, कौन सा फॉर्मूला आपको बताए हुए थे हम, हाँ, तो आधार गुने लंब हो गया, ठीक है। तो ये आपका ये देखिएगा, यहाँ यहाँ से यहाँ कितना है बेस, इसको मानिए, इसको मानिए, चलिए इसी को बेस मान लेते हैं, सपोज कि इसको बेस मानते हैं, 200 मीटर है, 200 × 100 मीटर / 2, तो ये निकल गया। शेप पर ध्यान देना है, किस तरह का शेप है, छठा की निकाल लेते हैं, छठा फिट क्या है आपका, ट्रायंगल ही है, देख रहे हैं ट्रायंगल है, ट्रायंगल में आपको ध्यान देना है, हाइट विट पर ध्यान देना कितना है। सबसे पहले इसको बेस अगर इसको मानते हैं तो लिखेंगे 120 मीटर गुने, ये देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, याद दीजिए 50 कितना हो गया 250 मीटर बाई 2 बोलते जाइएगा। अब मेरी बच्ची सातवां आकृति देख लीजिएगा, 7 जो आकृति है सातवीं आकृति, सातवां हो गया क्या हो गया, ये समांतर भुजाओं का योग हो गया है, तो 120 देखिएगा, हाँ 120 जोड़ 200 मीटर है, 200 मीटर हाइट कितनी हो गई देखिए, यहाँ से कितना ही 50 और 100 150 हो गया, 150 बाई कितना हो गया 2। एक मिनट रुकिए, यहाँ तक हमने ले लिया है, यहाँ से यहाँ हो गया, ये यहाँ से यहाँ हो गया 50 और यहाँ से यहाँ हो गया 100 150, ठीक है, 150 बाई 2 कंफ्यूज नहीं हुई है, ठीक है। आठ हो गया, आठवां में क्या है, आठवां में देख लीजिए, आठवां में क्या हुआ, फिर ट्रायंगल हो गया ना, बिल्कुल देखिए ट्रायंगल है, इसमें इसको अगर आधार हम मानते हैं तो कितना हो गया, देखिए यहाँ से यहाँ कितना 100 है और यहाँ से यहाँ कितना 100 है, तो 200 हो गया, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 200 × ये भी कितना है 200 भी है, 200 / 2 इसका आंसर हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये क्या किया हमने, आसान शब्दों में सबका एरिया हमने निकाल दिया। आपको समझना होता है कि अर्थ चतुर्भुज है, कोऑर्डिनेट है, तो कोऑर्डिनेट का आज फॉर्मूला होता है सामने वाली भुजाओं का योग गुने h/2। तो इस पर हमने निकाल लिया, जो ट्रायंगल है तो आपको पता है कि ये मेरा दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ, उनका कर्ण निकालना है, तो हमने कर्ण को निकाला, ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला हमने लिख दिया, ठीक है। तो इस पर निकाल लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, सॉल्व करने के बाद इसके एरिया मीटर स्क्वायर में निकल जाएगा टोटल एरिया। आप सॉल्व जब कर लेंगे तो सारे आकृति को, यानी कि देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 चारों आकृति को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और जो एरिया आएगा उसको मीटर स्क्वायर में समझिए एक्स आया, तो एक्स मीटर स्क्वायर इसको अंकित कर देंगे, ठीक है। इसको हम चाहें तो फिट में ले आके एरिया भी इकट्ठा में भी निकाल सकते हैं। तो ये मेन मेरा आज जो मेरा टॉपिक था फील्ड, ये बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, हम ये नहीं कहेंगे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ईजी है, पर जो नहीं जानता, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो आप आई होप के एरिया निकाल लीजिएगा, और कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुआ हो तो उसके लिए सॉरी, ठीक है, क्योंकि जो है मेरे पास कैलकुलेटर होता नहीं है, वैसे ही बना लेते हैं, ठीक है। तो वो जो है आज जो बात समझ में आया उसको आप लोग पूछ सकते हैं।